हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक है और आज हम डीन इंफोटेनमेंट्स की तरफ से एक और हमारे नए प्रोडक्ट डीन सुप्रीम 2.0 मॉडल के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉक्स है स्टीरियो का। आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, डीन की प्रॉपर ब्रांडिंग मिलेगी, OEM हेड यूनिट है ये। OEM हेड यूनिट का मतलब होता है आपकी गाड़ी की कोई भी वायरिंग कट नहीं होगी, आपको आपकी गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर फ्रेम दिया जाएगा ताकि फिटिंग एकदम परफेक्ट हो सके। प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, यूट्यूब, ब्लूटूथ, एक्सटर्नल माइक ऑप्शन होता है, एंड्रॉयड ऑटो होता है और एप्पल कार प्ले होता है। दोनों वायरलेस और वायर्ड बोथ मिलेंगे आपको। और ये हमारा जो है प्रीमियम एंड्रॉयड मल्टीमीडिया सिस्टम है जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलेंगे। बाकी आप ये सारे फीचर्स देख सकते हैं। बॉक्स को हम साइड में रखते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे आएंगे जो कि हम पहले ही अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर चुके हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं गाइस, सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ी फिट एंड फिनिश दिखाएं प्रोडक्ट की, फिटिंग आपको कैसी मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, स्नग फिट मिलेगा, आपकी गाड़ी की कोई भी वारंटी वर्ड नहीं होगी। ये होम स्क्रीन है हमारे प्रोडक्ट की। इसमें आपको होम स्क्रीन पे रेडियो, म्यूजिक, ऐप मेन्यू, ब्लूटूथ और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपकी गाड़ी की स्पीड बताएगा, अपर साइड में आपका टाइम और म्यूजिक के कंट्रोल्स। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टली सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की, कि आपको इस सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेंगी। जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं, सिस्टम के अंदर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी वो आपको मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन 12, और इसके अंदर जो रैम होगी वो मिलेगी 2GB और इंटरनल स्टोरेज मिलेगी 32GB। वो चीज़ें मैं आपको एक थर्ड पार्टी ऐप CPUZ से भी वेरीफाई करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो ARM Cortex A53 1.30 GHz का प्रोसेसर मिलेगा, 4 कोर होंगे। प्लेटफॉर्म होगा इसका TS9 और रैम होगी 204 MB यानी 2GB। इंटरनल स्टोरेज 32GB होती है, लेकिन कुछ सिस्टम एक्वायर कर लेता है इसलिए आपको यूजेबल 25GB के आसपास मिलती है। अब बात कर लेते हैं स्टीरियो के मेन्यू की। मेन्यू में आपको क्या क्या मिलेगा गाइज, आप देख सकते हैं। मेन्यू में आपको क्रोम, रेडियो, म्यूजिक, वीडियो, ब्लूटूथ, प्ले स्टोर, मैप्स, BT म्यूजिक, फाइल मैनेजर, इसके बाद आपको यूट्यूब मिलेगा, प्राइम वीडियो, थीम का ऑप्शन मिलेगा, गूगल असिस्टेंट मिलेगा, साथ में आपको DSP का ऑप्शन मिलेगा जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, नेटफ्लिक्स मिलेगा, फ़ोन लिंक मिलेगा। फ़ोन लिंक से आप क्या कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के जो फ़ोन की जो स्क्रीन है आप उसको अपनी गाड़ी की स्क्रीन में मिरर कर सकते हैं, वायरलेसली भी और वायर्ड भी। और Z-Link 5 ऐप मिलेगी जो कि होती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले यूज़ करने के लिए, ये भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम मेन फीचर की बात करते हैं जो कि इसका है एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो। सबसे पहले हम एक एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक एंड्रॉयड डिवाइस है, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा ब्लूटूथ ओपन करना है, ब्लूटूथ के अंदर जाना है और अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेना है। एक सेकेंड रुक जाइए। डिवाइस हमारा कनेक्ट हो चुका है, इसके बाद आपको सीधा Z-Link 5 ऐप के अंदर जाना है। ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो रहा है। ये गाइस आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। इसमें आपको जहां पे भी जाना है आप वहां की लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली की लोकेशन सेट करूंगा। ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो की स्पीड आपको कैसी मिलेगी। एंड्रॉयड ऑटो में आप इस साइड अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं किसी भी म्यूजिक ऐप से, मान लीजिए आपको यूट्यूब म्यूजिक, अमेजन प्राइम म्यूजिक, कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। इस साइड आप अपने एंड्रॉयड ऑटो मैप्स वगैरह आराम से यूज कर सकते हैं। ये आप एंड्रॉयड ऑटो में स्पीड भी देख सकते हैं। फिलहाल ये कनेक्शन वायरलेस है, ऐसे ही आप इसको कंपनी फिटेड USB पोर्ट में लगा के वायर से भी यूज कर सकते हैं। अब तो
फिलहाल एंड्रॉइड ऑटो की बात खत्म करके हम सीधा एप्पल कार प्ले पे आएंगे। अभी हम इसको डिसकनेक्ट करके एक बार एप्पल का डिवाइस भी कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है? चलिए वो भी कर लेते हैं। ये हमने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, ऐप हटा दिया है, अब हम एक बार एप्पल का डिवाइस भी कनेक्ट करेंगे। आपको ऐसे ही एप्पल कार प्ले कनेक्ट करना है जैसे एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया था, सिर्फ ब्लूटूथ ओपन करना है और कार बीटी पे क्लिक करके स्टीरियो के साथ पेयर कर लेना है। हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है, आईफोन के साथ सीधा आप देख सकते हैं सीधा कनेक्शन ऑन हो गया है ब्लूटूथ कनेक्ट होते ही। ये आप देखेंगे कि एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो गया है। जैसे आप एंड्रॉइड ऑटो यूज कर रहे थे ऐसे ही आप एप्पल कारप्ले यूज कर सकते हैं। राइट साइड में आपके मैप्स, लेफ्ट साइड में आपके म्यूजिक और ये सारी एप्लीकेशंस। ये आप एंड्रॉइड ऑटो की स्पीड भी, एप्पल कारप्ले की स्पीड भी देख सकते हैं। चलिए इस फीचर के बाद हम सीधा साउंड आउटपुट टेस्ट करेंगे स्टीरियो का कैसा है। इसको हटा देते हैं, सीधा हम साउंड आउटपुट टेस्ट करेंगे। चलिए एड्स का मजा लीजिए, म्यूजिक का मजा लीजिए। जैसे कि म्यूजिक सुनी लिया होगा तो अब हम डायरेक्टली बात करेंगे इसके साउंड प्रोसेसर के बारे में, जो कि आपको इतना बढ़िया म्यूजिक आउटपुट देता है। जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इसमें आपको एक डीएसपी का फीचर मिलता है। ये आप देख सकते हैं डीएसपी, इसमें आपको प्रॉपर डीएसपी प्लस एएसपी दोनों मिलेंगे। एएसपी में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसा भी आपको म्यूजिक टेस्ट हो वैसा सुन सकते हैं, आप अपने म्यूजिक को बैलेंस कर सकते हैं। और डीएसपी में आपको प्रॉपर सराउंड साउंड और लाउडनेस दोनों ऑप्शन मिलेंगे, और साथ में आपका सबवूफर की इंटेंसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इस बटन से चाहे तो डीएसपी ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर आपको दो तीन अलग अलग से फीचर और मिलते हैं, जैसे कि आपको आपकी गाड़ी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि स्टीरियो को कैसे यूज करना है, इसके अंदर ही मिलेगी। सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी गाड़ी का कंपनी फिटेड यूएसबी पोर्ट है वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, जो आप आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग कंट्रोल्स, जो कि आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड होते हैं, वो भी स्टीरियो के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ, वॉल्यूम अप हो रही है, डाउन कर रहा हूँ डाउन हो रही है, म्यूट कर रहा हूँ म्यूट हो रही है, ठीक है? इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका कैमरा। इसके साथ आपको जो कैमरा मिलेगा वो मिलेगा डीन की तरफ से 6 मंथ वारंटी का AHD नाइट विजन कैमरा। सबसे पहले हम कैमरा की क्लैरिटी देखेंगे, उसके बाद हम कैमरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये आप देख सकते हैं आपको ऐसी क्लैरिटी का कैमरा मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमने गाइडलाइंस ऑन नहीं की हुई है, आप चाहें तो गाइडलाइंस भी ऑन कर सकते हैं। तो कैमरा हटा देते हैं, अब चलिए डायरेक्टली बात करते हैं कैमरा किस टाइप का मिलेगा आपको। ये आप देख सकते हैं ये कैमरा की अनबॉक्सिंग वीडियो है। इसमें जो आपको कैमरा मिलेगा वो एक AHD 720p का कैमरा मिलेगा, जो कि बम्पर होल टाइप होता है, और आप चाहे तो इसे साथ में नंबर प्लेट टाइप में भी लगा सकते हैं। आपको एक ब्रैकेट मिलेगी इसके साथ, जो कि आपकी नंबर प्लेट पे माउंट हो जाएगी। इस कैमरा को आप नंबर प्लेट की तरह भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए वीडियो में रैप अप करते हुए आपको बताते हैं कि आप डायरेक्टली स्टीरियो को बाय कैसे कर सकते हैं। आप स्टीरियो को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.deaninfotainments.com पे विजिट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी सिलेक्ट करनी है और सीधा डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देना है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट डिटेल समझना आ रही हो, तो आप डायरेक्टली वहीं से हमारे व्हाट्सएप चैट पे भी मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 7015732022। थैंक यू गाइस। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे और होप करेंगे कि आप प्रोडक्ट को बहुत प्यार देंगे और हम चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें कि आप हमारा प्रोडक्ट लें। थैंक यू।